नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक, जो कि श्वेत महाडन जी ने लिखी है। इसका चैप्टर नंबर 8, निर्भय बनो। मानव का सबसे बड़ा शत्रु है उसका डर, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, चाहे वह यंत्र तंत्र के नाम पर हो। और हाँ, एक प्रकार का डर और भी है, वह है भूत प्रेत या किसी शाप अभिशाप का डर। डर चाहे जो भी हो, प्रत्येक के पीछे एक ही कारण होता है, उसके पीछे निहित किसी न किसी का स्वार्थ। धर्म के नाम पर डराने वाले स्वार्थी धर्माधिकारियों को ही लीजिए, किस किस तरह से वे दूसरों को झांसे में देकर स्वर्ग में उनके लिए महल बनाने का लालच, और कभी कभी ईश्वर के प्रकोप की भविष्यवाणी देकर उन्हें डरा डरा कर सारी जिंदगी अपनी ठगी के जाल में फंसाए रहते हैं। यदि आप धर्माधिकारी हैं तो ईश्वर के महान होने का संदेश दीजिए, बताइए कि वह तो रक्षक है, सबसे बड़ा दया का सागर है, फिर उससे डर कैसा। वह तो हमारी न जाने कितनी गलतियों को क्षमा करता है। ईश्वर के विषय में ऐसे भ्रम पैदा करना कि अमुक छोटी सी गलती पर वह नरक में झोंक देगा अथवा प्रकोप दे देगा, यह तो पथ भ्रष्ट करने का सीधा सा तरीका है जिसको कोई भी जान सकता है। डर इस शब्द को बचपन से ही बालकों से दूर रखना चाहिए। बच्चों को पालते समय उन्हें निर्भीक बनाने का प्रयास करें। उसे तो यह भी मत बताएं कि अमुक कार्य से यह नुकसान हो सकता है, बल्कि उसे उसके आत्मविश्वास पर छोड़ दें। वह अंगारों को फूल समझकर पकड़ेगा, तभी तो जानेगा कि इससे क्या अनर्थ हो सकता है। उसके अंदर आत्मविश्वास जगाएं। बच्चों से सदा यही कहिए कि तुम इस संसार में बहुत कुछ करने और बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी मुट्ठी में संसार होगा, यदि तुम निर्भय होकर प्रत्येक रहस्यों को उजागर करने की चेष्टा करते रहो। बच्चों को निरंतर डांटने डपटने और फटकारने से वह अपने आप को मूर्ख समझ लेगा। यह दूषित विचार कुछ भी करने से पहले भय पास उसके लिए विषाक्त बन जाते हैं। कोई भी अभिभावक बच्चों को जानबूझकर न तो डराते हैं और न ही हतोत्साहित करते हैं, परंतु अज्ञानवश वे ऐसा कर जाते हैं। वह अज्ञानता उनके लिए सारे जीवन का असंतोष और कष्ट का कारण बन जाती है। इसलिए आप जरा सावधान रहिए, कहीं अनजाने में आप ऐसा कर तो नहीं रहे हैं। हम उस समय कितनी बड़ी भूल करते हैं जब एक बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ने में हमारा हाथ होता है। बच्चों के मन की बीमारियों और उनके मनोबल को गिरने से बचाएं। बच्चों के मन में बीमारी का डर बसाना भी एक बहुत बड़ी भूल है। सर्दी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, चोट लग जाएगी आदि, यह सब किसी भी हालत में ठीक नहीं। ऐसी बातों से सब बच्चों को दूर रखिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीमारी बीमारी की रट में वह मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो ही जाए। डॉक्टर मकडुगल किंग का कहना है कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को बीमारी के डर से बचाया जाए, तो वह भाग्यशाली होगा। इस तरह से बुजदिल घराने में पला बच्चा क्या खाक राष्ट्र के स्तंभ बनेगा। यह आवश्यक है कि हमारी संतानों को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमें उनका पालन पोषण पूरी एकाग्रता और सहानुभूति से करना चाहिए। पालन पोषण के समय धीरज बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण सत्य है। यदि आपके शरीर में निराशा कूट कूट कर भरी है, तो वह अपने ही विचारों के कारण मृत होता है। मरे हुए विचारों के व्यक्ति की आयु अपने आप कम हो जाती है। हम जिस स्वास्थ्य को विश्व में सबसे बड़ा वरदान मानते हैं, उसी को हम किसी तरह से नष्ट कर रहे हैं। इसका बोध हम नहीं कर पाते। डर और निराशा हमारे जीवन के सुखों और खुशियों में आग लगा देते हैं। आप यह जानने की कोशिश करें कि जितनी बार भी आपको निराशा होती है, उतनी बार आप अधिक सुस्त और ढीले होते जाएंगे। आपका शरीर कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाता। आशा के सुंदर और सजीले सपने आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। उनको कार्य की असफलता का भय चंद पलों में नष्ट करके व्यक्ति को उदासी की गोद में ठकेल देता है। यह सत्य है कि असफल होने का भय हमारी कई महान हस्तियों को भी उनकी चपेट में लाने में नहीं चूका, और इस भय की काली रेखा के कारण ही उनमें से कई मानसिक रोग के शिकार हो गए और संसार उनके अथाह ज्ञान
और तीव्र बुद्धि का लाभ उठाने से वंचित रह गए। असफलता का या कुछ अनर्थ होने का भय आपके मन में जितना बैठता जाएगा, उतना ही आपके उत्साह और आशाओं का महल ध्वस्त होता चला जाएगा। यदि आप असफलताओं से बचना चाहते हैं तो कार्य करने से पहले भयभीत होकर अपनी कार्यशक्ति का नाश मत कीजिए। एकाग्रता और संपूर्ण आत्मविश्वास से आप अपने कार्य की ओर जुट जाइए। कभी कभी तो यह डर इतना निराशा देता है कि मनुष्य तंग आकर अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर तक हो जाता है। आप इस संसार को ही अपने प्रयासों से स्वर्ग और अपनी अकर्मण्यता से नरक बना सकते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि विश्व में प्रत्येक दिशा में सफलताएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भयभीत मत होइए, किसी भी चुनौती का वरण कीजिए। आपके अंदर यदि आत्मविश्वास, धैर्य व विवेक होगा तो कोई शक्ति नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। आगे बढ़िए, निराशा को पांव तले कुचल डालिए, आशा को ही देखिए, उसी का सहारा लेकर यह ठान लीजिए कि इस संसार में हर वस्तु पर आपका इतना ही अधिकार है जितना किसी और का। इस संसार में अच्छे और बुरे कोई परिभाषित नहीं कर सका। सच तो यह है कि यदि आपका मन प्रसन्नता से भरा और तनाव मुक्त है तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा। इसके विपरीत चिंता और भय आपका ध्यान सुंदरता की ओर जाने ही नहीं देगा। इस प्रकार सब कुछ नीरस लगेगा। जो लोग निरंतर बुरे दिनों को सोचकर भयभीत हुआ करते हैं, वह व्यापारी जो निरंतर घाटे की बात सोचकर निराश और चिंतित रहता है, उसका उत्साह प्रायः शून्य हो जाता है और तब घबराहट से जो हानि होती है उसका प्रभाव वास्तव में बहुत भयानक होता है। युद्ध क्षेत्र में अपने सामने मजबूत सैनिकों को देखकर आया भय ही पराजय का कारण बनता है। भय के आते ही हौसले पस्त हो जाते हैं, उत्साह उड़ जाता है और भुजाएं एकदम शिथिल पड़ जाती हैं। इसके विपरीत यदि वे अपने मन के उत्साह को दूना कर लेते हैं, विजय का प्रण ले लेते हैं, तो सचमुच सफलता स्वयं आकर उनके कदमों से लिपट जाती है। विचारों का हमारे शरीर व आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे लोग जो निरंतर अपने विचारों को दूषित करते हैं, हीन भावनाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। उत्साहहीनता एक ऐसा भयानक रोग है जिससे हमारा मस्तिष्क विस्मय होकर अपनी योग्यता का नाश कर बैठता है। यदि आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हैं तो पहले अपनी मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त कीजिए। उसको विजय और उत्साह की भावना से भर दीजिए। आप अपने किसी भी कार्य अथवा व्यापार में सदा सफलता की ही बात सोचिए। आप अपने सामने वाले से किसी भी रूप में हीन नहीं हैं। छोटा होने का एहसास मात्र ही आदमी को ले डूबता है। आपने देखा होगा कि पशु पक्षियों तक में यह बात होती है कि वे सदा अपनी ही जाति के साथ उड़ते और बैठते हैं। यह तो प्रकृति का नियम भी है, क्योंकि जैसा संग होगा वैसी ही सोच होगी। इसलिए सदैव बुद्धिमानों, आशावादियों और कुछ करने वालों के साथ ही बैठने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप निराश और असफल लोगों के साथ रहेंगे तो वे अपने साथ साथ आपको भी भयभीत और पतनोन्मुख कर देंगे और इस तरह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आशा ही मानव जीवन का आधार है, यह सबसे शक्तिशाली है। सारा संसार भी आशा के कंधों पर टिका हुआ है और गति मिली है तो विश्वास की। आशावादी लोगों के चेहरे ही बता देते हैं कि वे क्या हैं। उनके चेहरे आपको सदैव हंसते और खिले खिले से मिलेंगे और एक निराशावादी हमेशा रोता हुआ ही मिलेगा। ऐसे लोगों पर किसी प्रकार की दया दिखाने का कोई लाभ नहीं होता। उससे तो यह पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम कैसे हो, वे कैसे हैं। इसका संपूर्ण विवरण उसकी मनहूस सूरत ही दे देगी। यह काम मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार की धारणा जिस व्यक्ति के मन में आ गई, समझो वह यहीं पर असफल हो गया। यह विचार या हतोत्साहित करने वाली कल्पना तो इतनी विषैली है कि इसने कई व्यक्तियों को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया। निराशा किसी कीटाणु के समान है जो किसी भयंकर रोग का चिन्ह लेकर आती है।
इससे सदा बचने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके शरीर में कल को कोई असाध्य रोग न पनपने पाए। प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आपके मन में भरी है आप उसे बड़ी तेजी से आकृष्ट करेंगे। यदि आपका मन दरिद्रता के डर से भरा है तो इसका मतलब यही होता है कि आप बड़ी तेजी से दरिद्रता को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति रखते हैं और वह आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपका मन महत्वाकांक्षाओं और उत्साह से भरा है तो आपके सारे भंडार भर जाएंगे, आपकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होगी। आशा इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु है, इसलिए भय छोड़कर इसके सहारे आप अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित्त हो जाइए। यह लक्ष्य आपको एक न एक दिन मिलकर ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगले अध्याय में।